हेलो गाइस, मेरा नाम है अक्षय और आपका एक क्लैश के एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आप सामने ही देख सकते हैं कि ये हमारा नया लोडिंग स्क्रीन है। आप अगर एक्टिव हो तो आपको पता ही होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बारबेरियन हॉट डॉग का आ रहा है, पक्का खाने को बहुत नज़र लगा के देख रहा है। आर्चर, वल्केरी, वीज, विच, हॉग राइडर, बेबी ड्रैगन और सुअर एक्चुअली, और यहाँ पे है गॉबलिन, सब पार्टी कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि गॉबलिन और हॉग राइडर ग्रीटिंग, फेस्टिवल ग्रीटिंग उड़ा रहे हैं। और यहाँ पे बीच में फेस्टिवल की पूरी तैयारी है और यहाँ पे सब कुछ खाने का बंदोबस्त भी है। और ये आपको पता ही होगा, ये देख के पता ही चल रहा होगा कि ये नया फेस्टिवल है। और ये आपको नहीं पता तो बता दूँ कि ये है चाइनीज लूनर न्यू ईयर और ये है उनका नया ईयर। हर एक रीजन का और रीजन का नेटिव, मतलब नेटिव एरिया का एक न्यू ईयर होता है। जैसे इंडिया का आपको पता है, मतलब महाराष्ट्रंस का ये गुड़ी पाड़वा होता है, वैसे ही चाइना का लूनर ईयर रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हॉग होमकमिंग, मतलब वन डे वन आवर में हॉग होमकमिंग चालू होने वाला है। हॉग राइडर के इवेंट हो सकता है और शायद से रिवॉर्ड्स में कुछ अलग भी हो सकता है। होमकमिंग मतलब लूनर चाइनीज फेस्टिवल का कुछ रह सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे न्यूज़ सेक्शन में आके देख सकते हैं कि हैप्पी लूनर न्यू ईयर बता रहे हैं यहाँ पे। और ये लोडिंग स्क्रीन का ये आधा पिक है, मतलब आधा सेक्शन है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्लाइड अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पहले का ही सब कुछ है। और रीड मोड में जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूज़ फेब 1 2018, मतलब अभी आज चालू हुआ है फेब 1 को। और यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि ये एक नेटिव सपोर्ट, मतलब जो रीजन के हिसाब से एक सपोर्ट है चाइना के लिए, क्योंकि वो आपको पता ही होगा कि चाइना बहुत सपोर्ट करता है सीओसी, मतलब बहुत लोग खेलते हैं सीओसी, इसके लिए ये एक सपोर्ट है चाइना के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लूनर न्यू ईयर होता क्या है। और ये एक्चुअली चालू होता है 16 फेब से चालू होता है। और आपको पता है सीओसी एक हफ्ते पहले या दो हफ्ते पहले चालू कर देता है। और यहाँ पे ये क्या होता है, इसमें आपको अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के जगह पे जाके वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। और ये एक दिन का नहीं होता है, 2-3-4-5 दिन का होता है। और इसकी तरफ से सीओसी ने एक न्यू लोडिंग स्क्रीन दिया है और चाइना के लिए एक अलग है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्च्यून ट्री ऑब्स्टकल, और ये गोल्डन कलर का ट्री है और चाइना में इसे मतलब गुड लक चार्म या प्रॉस्पेरिटी के लिए माना जाता है। और इसका कॉस्ट होगा 75,000 गोल्ड। और फायरवर्क ऑब्स्टकल, अगर फेस्टिवल है वहाँ पे, मतलब फायरवर्क तो होना ही चाहिए, तो सीओसी ने फायरवर्क ऑब्स्टकल डाल दिया है। शायद से इसमें एनिमेशन हो सकता है, जैसे आपके कैरावन की साइड में एक फायरवर्क है उसकी वजह से, उसके जैसा। और अभी आते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ख़त्म हो गया। और चाइनीज़ का एक नया, मतलब उनके लिए अलग एक थीम है, मतलब जैसे लैंग्वेज चेंज करते हैं तो चाइनीज़ में अलग एक लोडिंग स्क्रीन है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लोडिंग स्क्रीन आ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है, इसमें बारबेरियन एक फ्लैग लेके घुमाया, उसमें लैंग्वेज क्या लिखा है वो मुझे पता नहीं। और जो ट्रूप्स देख सकते हैं यहाँ पे, एक कार्ड जैसा उठा है, ये एक वर्शिप करने, मतलब फेस्टिवल का एक वर्शिप करने का एक तरीका है चाइना का। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हॉग राइड होम कमिंग, मैंने बताया कि ये एक नया इवेंट है चालू है, तो उसके रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि चैलेंजर्स 1600 में कलेक्ट कर चुका है। और ये नया बड़ा इवेंट है तो मुझे भी कलेक्ट करना पड़ेगा, क्लाइंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो पहले लास्ट तीन में मैंने कुछ खेला ही नहीं था। 2-3 अटैक किए थे, कंप्लीट किए थे रिवॉर्ड के लिए, और लास्ट ईयर बचा है और 12,000 चाहिए सिर्फ। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और आपका अगर क्लाइंट गेम्स कंप्लीट हो चुका है अब तक, और आपका अगर वीडियो देख रहे हो तो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में आपको। और अगर ये थीम अगर आपको पसंद आया तो वो भी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो बाय।